तो मैं पप्पू सर आपके अपने YouTube चैनल PST क्लास में स्वागत है दोस्तों। फिर से नीतीश बाबू फंस गए हैं, देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले नीतीश बाबू की इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। बिहार पुलिस नई भर्ती 2023, कौन बोलता है बिहार पुलिस में हर बार पेपर लीक होगा ही। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो कि बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है नीतीश बाबू की यह वीडियो क्लिप, जो कि फिर से बिहार पुलिस भर्ती को लेकर फंस गए हैं, देख लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए, जो क्या बता रहे हैं नीतीश बाबू इस वीडियो में, बिहार पुलिस पेपर लीक के मामले में। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए आप। उस अपॉर्चुनिटी को सबको फायदा जो है वो उठाना चाहिए, और आप सबके माध्यम से मैं जितने हमारे बिहार के एलिजिबल छात्र और छात्राएं हैं, उनके अभिभावकगण हैं, शिक्षकगण हैं, सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और ये लंबे समय तक चलने वाली अपॉर्चुनिटी है। सब लोग दिन रात मेहनत करके अपने आप को जो है अब इस परीक्षा के सफल होने के लायक बनाएं, जिसमें अभिभावक गणों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षक गणों का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको
बताया, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारा जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है इसमें आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो हमारे जो मैकेनिज्म है वो सफिशिएंटली स्ट्रांग पहले से है, लेकिन हम इसको और जो है स्ट्रांग करेंगे। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो है वो जैमर जो है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ब्लॉक किया जा सके, तो वो जैमर का कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो जैमर को भी हम उपयोग करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन आप सबसे मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से जितने हमारे एलिजिबल जो बेटे और बेटियां हैं और उनके अभिभावकगण और शिक्षकगण पूरी तरह प्रेरित करें, दिन रात की मेहनत करके अपना कैरियर बनाएं और जो है अच्छी से अच्छी चीजें सीखें और पूरा भरोसा रखें हमारे बोर्ड पर, पूरा भरोसा रखें कि जो भी छात्र और छात्रा जो है वो प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करेंगे और मेहनत करके आएंगे, वो उनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा तो दूसरी बार तैयारी होगी, तीसरी बार होगी। सुन लिए दोस्तों, सीएसबीसी के चेयरमैन ने क्या बोले हैं बिहार में, बिहार पुलिस में पेपर लीक के मामले में, जो अभी तक मेरे बोर्ड से पेपर लीक नहीं हुआ। दोस्तों पेपर लीक नहीं होता है, आपको भी पता है कितना पेपर लीक होता है, क्योंकि आधा सीट पहले ही रिजर्व हो जाता है, और सेटिंग पर अगर बिहार में अगर जॉब लेना है तो बिहार पुलिस में सेटिंग पर ही जॉब होता है। आई होप कि इस वीडियो में समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको बिहार पुलिस वैकेंसी देखने को मिलेगी। बिहार दरोगा से बिहार पुलिस पहले वैकेंसी आएगी, एक मई से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और सबसे पहले आपका बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा, और 7500 के आसपास यह वैकेंसी अभी आने वाली है। इसलिए जो भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तैयारी में जुड़ जाइए। इस बार पीएचटी की क्लासेज भी आपको ऑफलाइन तैयारी करवा रही है, प्रभु ठाकुर वाला वार्ड नंबर 18 इलाहाबाद बैंक वाली गली में रोसरा, आप भी आके यहाँ तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जैसे ही बिहार पुलिस से रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।